हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मारोस और आप देख रहे हैं सुपर सितारे बच्चों का अपना यूट्यूब चैनल। तो गुज़िश्ता दिनों मैं गई थी रियान स्कूल मुनव्वर कैंपस में और मैंने एक व्लॉग भी बनाया था और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी रियान फाउंडेशन के CEO मुफ्ती मोहसन साहब से और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई। लेकिन वो थोड़ा सा तफसीली इंटरव्यू था तो मैं इस व्लॉग में शामिल पूरा नहीं कर सकी, तो इसलिए ये अलग से वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि रेहान स्कूल बनाने का मकसद क्या है और हज़ारों बच्चे जो इस स्कूल में आते हैं वो हज़ारों डॉलर कमाने का हुनर कैसे सीखते हैं, और भी बहुत सारे सवालात जो आपके जहन में हैं वो मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। तो चले आए। तो दोस्तों, अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ रेहान फाउंडेशन के CEO मुफ्ती मोहसन साहब से, जो COO रह भी चुके हैं और अभी जो हैं रेहान अल्लाह वाला की जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, सही है, और सारे स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं, सही है। तो अब हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अलहमदुलिल्लाह। बेटा आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। अगर हम देखें कि हर स्कूल हर जगह पे स्कूल है, लेकिन ये स्कूल थोड़ा यूनिक है, सही है, तो इस स्कूल को थोड़ा यूनिक क्यों डिज़ाइन किया गया? तो बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि किड चैनल्स आपका जो है, जो आप सितारे तो हैं ही, लेकिन आपके सितारों से और लोग भी चमक रहे हैं। जितना अच्छा आप प्रोग्राम लेके चल रही हैं, तो मैं बार बार आपको ही लूँगा और आपके फादर जो है जुफरान भाई, इनको भी कहूँगा कि आप उनकी काविशों से काम हो रहा है। अच्छा, जो आपने बात की बेटा, रेहान स्कूल का विजन मुख्तलिफ ये है कि रेहान भाई लीडर्स बना रहे हैं, और उन लीडर्स को बना रहे हैं जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया में काम कर सकें, जो दुनिया की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये कि रेहान स्कूल ने अपना कुरिकुलम मुख्तलिफ यूँ रखा कि हमारे पास बस्ते नहीं हैं, हमारे पास भारी भरकम 5 किलो 10 किलो का बैग नहीं है जिसमें किताबें भरी हों। हमारे पास उन किताबों की निसाब के मुताबिक जो भी मवाद है वो मौजूद है। वो किस में? वो लैपटॉप में है या मोबाइल में? तो हमारे पास सबसे पहले जो बच्चा लेकर आता है वो लैपटॉप लेकर आता है या उसके पास मोबाइल होता है, जिसको हम 5वीं क्लास के बाद लेते हैं। और क्यों लेते हैं कि 5वीं क्लास के बाद हम उसे फाउंडेशन क्लास उसकी लेते हैं, फिर लेवल 1 पढ़ाते हैं। फाउंडेशन क्लास कैसे कि अभी तो आप माशाल्लाह, आप ये आप जैसे प्यारे बच्चे बहुत सारे काम कर लेते हैं, जीमेल बना लेते हैं, फेसबुक आईडी बना लेते हैं, लेकिन हम जैसे और आपके फादर जैसे लोग जो हैं उनकी जीमेल आईडी भी किसी और ने बनाई होती है, ये हमें बनाना नहीं आता था। तो हम पहले बेसिक नॉलेज देते हैं कि फाउंडेशन के टेक्नोलॉजी को, आईटी को चलाया कैसे जाए, या जो आपके पास गैजेट उसको कैसे चलाया जाए और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं कि जब ये फाउंडेशन क्लास मुकम्मल हो जाती है तो हम उन्हें कैनवा फाइवर, यानी कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है, कैनवा सिखाते हैं, फाइवर पर उसका अकाउंट बनवाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स उनको बना देते हैं, फिर उनकी दुकान खुलवा देते हैं फाइवर पर, जहाँ पर वो अपनी निश को, यानी अपनी जो उन्होंने जो बहुत ही खूबसूरत दुकान बनाई है, और उस दुकान को नाम रख दिया कि भाई मैं ज़बरदस्त पोस्ट बनाता हूँ और इसके आपको इतने चार्ज करूँगा। तो जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से ये जो दुकान बनाई, तो ऑनलाइन बिक्री होती है चीज़ें, तो उनके फाइबर पर हम अकाउंट बनाते हैं, जो गिग्स हम जिसे हम कहते हैं, वो गिग्स के जरिए उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है जब वो लोगों के सामने आते हैं और वो मार्केट होती है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि फेस टू वीडियो यानी एडिटिंग उन्हें सिखाते हैं। फिर सबसे अहम बात, जैसे आप इतने कॉन्फिडेंट इंटरव्यू कर रही हैं, इसी तरह हमारे बच्चे 400-500 इंटरव्यू करके वो इंटरनेशनली तौर पर लोगों से कनेक्ट करते हैं। वो पाकिस्तान से भी जो बड़े मारूफ शख्सियत उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ वो बाहर के इंटरनेशनल जो रेहान भाई के दोस्त हैं, रेहान अल्लाह वाला भाई के, जो कि बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर, उनके साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत जल्द उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, वो खुद अतमाद आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स में आ जाती है। फिर इंग्लिश हम कॉल एनी जो AI की एक एप्लीकेशन है उससे सिखाते हैं, फिर ChatGPT सिखाते हैं, आपने देखा होगा ChatGPT बहुत आज की दुनिया है। तो ये तमाम चीज़ें उन बच्चों को इसलिए सिखाते हैं कि उनका लेवल 1 पूरा हो जाए, और जब वो उनका लेवल 4 क्लियर होता है, यानी लेवल 1 में इतनी चीज़ें हैं, तो उनकी ये लेवल 4 क्लियर, उनके बाद हम GED की सर्टिफिकेट, जो अमेरिकन सर्टिफिकेट उसके लिए आते हैं जनरल एजुकेशन का, वो सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट है, हमारे इक्विवेलेंट है पाकिस्तानी इंटरमीडिएट के,
तो हमारा बच्चा जब वो इंटरमीडिएट का वो जब जाएगा इंटर बोर्ड में और उनके साथ ये अपनी दिखाएगा कि ये सर्टिफिकेट मुझे मिला है, तो उसे अब बहुत आसानी के साथ थर्ड ईयर में दाखिला मिल जाएगा। तो वो अपनी ग्रेजुएशन में कर लेगा। वो साथ ऐसा होगा कि आप देखते हैं कि हमारा आज का जिस बच्चा, आप तो बहुत छोटे से हो, कि जो आज बच्चे मैट्रिक करते हैं तो वो अगर कहीं जाते हैं जॉब के लिए तो 10 साल उन्हें लगाए होते हैं, लेकिन उनको फूड पांडा में शायद जॉब मिल जाए। वरना कहते हैं कि भाई आपका तजुर्बा नहीं है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारा बच्चा जब 5वीं के बाद 10 साल 4 साल गुजारता है तो वो इस काबिल जरूर होता है कि वो 1 लाख रुपये पर मंथ कमा सके, और हमारे बच्चे 1 लाख रुपये कमा भी रहे हैं, $500। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले साल में $100 कमाए, सेकेंड ईयर में $200 कमाए, और फोर्थ ईयर में $500 वो कमाए। तो इसलिए आज से हम चाहते हैं कि वो बच्चे तमाम चीज़ों को हैंडल करें, देखें, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम उसको वालास कॉन्सेप्ट देते हैं। वालास कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे नाम के आगे खुशहाली वाल लगता है, और आपके पापा के नाम के आगे भी कोई लगता होगा, आप पूछ लीजिएगा उनसे, क्योंकि वो भी हमारे रेहान फाउंडेशन के शागिर्द रह चुके हैं। तो ये वालास कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि हम किसी निश पे काम कर सकें। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे मुझसे जो मिले उसको कोई परेशानी हो तो मैं उसको हल कर लाऊँ, उसके चेहरे पे खुशी आ जाए, इसलिए वो खुशहाली वाला हो जाए, खुशहाल हो जाए। तो इसी तरीके हमारे यहाँ रिमोट जॉब वाला है, लाइट वाला है, बिजली वाला है, SDG गोल्स होते हैं ना जो तो वो SDG गोल्स पे काम कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जब बच्चा हमारा आगे बढ़ जाए तो वो उस पर ही काम करे, और फिर एक वक्त आए कि वो दुनिया में एक लीडर्स बने, ऐसा लीडर जो कोई ना कोई दुनिया के लिए एक ऐसा काम करके जाए जो आज ज़रूरत है दुनिया को इस चीज़ की। तो ये पूरा फार्मूला है, इस पर काम किया जा रहा है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बस आप बच्चों की दुआएं भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। ओके सर, जैसे आप लोगों ने जब पहली दफ़ा इस स्कूल को इंट्रोड्यूस करवाया, इस टेक्नोलॉजी को, इस यूनिक स्कूल को, तो क्या मुश्किल आई लोगों को समझाने में कि बैग नहीं, जो बहुत सारी बुकें होते हैं जो माँ बाप सोचते हैं ज़्यादा बुकें होंगी तो इसका मतलब है कि बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, बुक्स नहीं है, मोबाइल है, लैपटॉप है, क्या ये बच्चों को पढ़ाएंगे? क्योंकि बच्चों जो माँ बाप है उनके जहन में ये है कि मोबाइल्स और ये जो चीज़ें बच्चों को ख़राब करते हैं, इससे बच्चा नलायक हो जाता है और पढ़ाई से दूर हो जाता है। तो क्या मुश्किल आता है आपको इंट्रोड्यूस करवाने में अपने स्कूल को? बहुत अच्छा सवाल। देखें, कोई भी नया काम जब आप शुरू करते हैं तो मुश्किल पेश आती हैं, और ख़ास तौर पर एजुकेशन के अंदर आपने काम करना है। तो 2021 से पहले जो निज़ाम तालीम है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये निज़ाम तालीम ख़त्म हो, क्योंकि उनके बस्ते ख़त्म हो जाएंगे, पेपर्स जो पेपर लेस अगर होंगे तो पेपर की मार्केट ख़त्म हो जाएगी, पेन अगर नहीं चलेगा तो पेन की मार्केट ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें अब आ जाती हैं। देखिए, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आज से 15 साल पहले जब ये मोबाइल एंड्रॉयड नहीं था तो हमारे हाथ में टॉर्च लाइट भी होती थी, हमारे हाथ में कैलकुलेटर होता था, हमारे हाथ में कैमरा होता था, हमारे हाथ में अकाउंट का चेकबुक होता था, हमारे हाथ में गाड़ी करने के लिए बाहर स्टॉप पे खड़ा होना पड़ता था। ये एक मोबाइल में आज टॉर्च लाइट भी है, इसी मोबाइल में आज आपके जो है दूसरी चीज़ क्या है, कैलकुलेटर भी है, इसी मोबाइल में आज आपके पास अच्छे से अच्छा कैमरा भी है, इसी मोबाइल में आज आपके पास बाइक की एप्लीकेशन भी है, ओबर की एप्लीकेशन भी है, इसी मोबाइल में आज आपके पास बैंक अकाउंट का वो भी कि यहीं से आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट, इसी मोबाइल में आपके पास सिर्फ ये नहीं कैलेंडर भी है। तो आपके पास एक मोबाइल के अंदर तमाम चीज़ें आ गई। तो इसी तरीके से आज भारी भरकम बस्ता में रखने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि इस लैपटॉप मोबाइल में आप पूरी पूरी PDF चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, ChatGPT के पास पूरा उलूम मौजूद है, आप तमाम साइंस के PDF सब्जेक्ट्स अपने पास लेते हैं, सियासत्ता की जो अहादीस मार्कर 7 अहादीसों का मजमुआ जो है वो तमाम PDF में मौजूद है, वो आपके पास लैपटॉप में आता है, मोबाइल में आता है। तो मालूम क्या चला कि आज आप ये देखें, मिसाल मैं आपको बहुत छोटी देता हूँ, आज अब हज का दौर हज शुरू होने वाला है, मैं आपसे कहूँ मैं हज पर जाना चाहता हूँ तो आप कहते हैं जाएँ, आप कहें कि किस में जाएंगे तो मैं कहूँ मैं ऊँट पर जाऊँगा तो आप मुझे मना करेंगी? आजकल जो दौर है वो जदीद है। हाँ, लेकिन ऊँट पर जाने में मना ये तो नहीं है ना कि हज नहीं होगा, आप ऊँट पर भी हज जाएंगे, लेकिन आप जब अभी निकलेंगे तो शायद इस साल नहीं अगले साल वाले हज पे शायद पहुँच जाएं आप, है ना, पहुँच तो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसी महीने के इसी हज पे करें तो आपने जाकर टिकट पकड़ना है और हज पे चले आना है। तो हम भी तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप ऊँट पर मत जाइए,
आप जहाज का या जदीद दौर का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए ताकि आप कामयाब हो जाए। अच्छा, इस स्कूल के जो फाउंडेशन फाउंडेशन जो रियान अल्लाह वाले हैं, सही है, उनको किस तरीके से ख्याल आया कि मैं इस तरीके से एक स्कूल बनाता हूँ जिसमें मुल्क के बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए काम करता हूँ, अपने मुल्क के लिए, अपने जो इस मुल्क के जो बच्चे हैं उनको तैयार करता हूँ मुस्तकबिल के लिए। बहुत अच्छा सवाल। रेहान भाई 25 साल से इस पर काम कर रहे हैं और ऑनलाइन तो रेहान भाई 25 साल से लगे हुए हैं कि हो जाए, लेकिन आज से 2 साल कबल उन्होंने फिजिकली इदारा बनाया। उन्होंने रियाज के लोग ऑनलाइन जो है ना, कभी फेक होता है, कभी आते हैं टच लेते हैं, तो हमें फिजिकली इदारे बनाने चाहिए जहाँ बैठ कर हम चीज़ों को हल कर सकें, ऐसा ही है ना। तो मैं फिर ये कहूँगा कि रेहान भाई की सिर्फ ये कोशिश नहीं थी, बल्कि वो चाहते थे कि हम इसको काम को कर सकें और आगे बढ़ सकें, इसी लिहाज से रेहान भाई ने ये 2 इदारे बनाए जो अब है। और अब तो तकरीबन हमारे पास कराची में जो है वो 3 इदारे हो चुके हैं, खानेवाल में, लाहौर में, इस्लामाबाद में मिला के 6 इदारे ये हो गए हैं, तो फिजिकली इदारे हमारे पास हो चुके हैं। तो रेहान भाई अब चाहते हैं कि उनका मकसद है कि हर पाकिस्तान का हर बच्चा कमाए, बल्कि 1 लाख रुपये महाना, बल्कि वो हर इंसान के लिए ये चाहते हैं। तो इसी बुनियाद पर उनकी कोशिश है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोग फिजिकली जितना जल्दी सीख सकते हैं वो सीखें, इसीलिए इन्होंने ये स्कूल बनाए। हम मैट्रिक नहीं कराते, लेकिन हम बच्चे को ये सिखा देंगे कि बेटा सीखना कैसे और अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर बेहतर कर सकते हैं। यही एक अहम चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो, कि ये ज़रूरी है कि आप कमा सकें, इस काबिल हो जाएं। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पेरेंट्स और बच्चों के लिए? देखें, आखिर में मैं एक बात कहूँगा, देखें आज का जो जदीद दौर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अपने बच्चों को अपने दौर की तालीम नहीं दो बल्कि उनके दौर की तालीम दो। तो आज ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को उस दौर की तालीम दें जिस दौर में वो पैदा हुए हैं। और आज AI का दौर है, आज फ्यूचर एजुकेशन का दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर, उनकी आप उनको जो है लाजमी तालीम दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।